तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि बटन स्टोर शॉर्ट्स। तो क्या हाल चाल हैं आप सभी दोस्तों के? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज जो मैं मतलब जो है ये तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, हालांकि काफ़ी लंबा वीडियो नहीं है, 4 मिनट का वीडियो है, क्योंकि मैंने इसको टुकड़ों में जो है बनाया है, तो इसलिए मैं आपको वॉइस ओवर करके बताने की कोशिश करूँगा। ये मेरी ग्रीन कारपेट जो कि लोग लॉन के अंदर या अपने गार्डन के अंदर लगाना चाहें तो किस तरीके से फ्री में लगा सकते हैं, ये फ्री में मैंने जो है ये धर्मेंद्र राय की नर्सरी से या फिर आप इससे इस तरीके से कहीं से भी छील करके ला सकते हैं, किसी से भी इजाज़त ले करके, जैसे कि पेट्रोल पंप से आपको ये प्राप्त हो जाएगी या किसी गार्डन से, तो आप इसको लगा सकते हैं अपने घर के अंदर। ये मेरे मसाले के बनाए हुए कुछ सीमेंट के पॉट थे जो कि मैंने बनाए थे, परात के, जो परात होती है प्लास्टिक की, उसकी डाई बना करके, फर्मा बना करके उसको बनाया था। इनको मैंने लिया है भर मिट्टी से, तो इसका मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आप जो है इसको बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप जैसे बिल्कुल डायरेक्टली देखना चाहते हैं इसका रिजल्ट, तो आप लास्ट में जा करके इसके वीडियो स्किप करके भी जा सकते हैं, कोई ऐसी की बात नहीं है। ये 18 अगस्त की जो है तारीख है, तो 18 अगस्त वाले दिन मैंने इसको जो है लगाया था, और आज मेरे ख्याल से 15 तारीख है जो मैं लास्ट कर रहा हूँ उसको, और ये अपलोड करूँगा मैं जो मेरा टाइम रहेगा। मैंने अब सारा सोच लिया है, शाम को 8 बजे मैं हर वीडियो अपने पब्लिश करूँगा। शॉर्ट वीडियो आपको बीच बीच में मिलती रहेगी, इसका कुछ नहीं कह सकता, पर जो कंप्लीट वीडियो डिटेल वीडियो होगी वो शाम को 8 बजे दूंगा। और ये देखें इस तरीके से मैंने जो है इनके जो ऊपर की जो कलियाँ हैं, मतलब जैसे घास जो है बड़ी बड़ी, उसको हमको जो है काट लेनी है, और काटने के बाद ये मेरे पास चाहें तो इसको, अगर आप चाहे थे तो डायरेक्टली ज़मीन में भी लगा सकते थे, पर ये अब मैंने जो है इसलिए नहीं लगा पाया ज़मीन के अंदर, मेरे पास जगह खाली नहीं है, और जो जगह खाली ना होने के कारण से जो है मुझे इसमें लगाना पड़ा है। इसमें लगाने के लिए मुझे सिर्फ इसमें तैयार करना थी, और मुझे रिजल्ट भी देखना था, आप लोगों को शेयर करके बताना भी था कि किस तरीके से आप इसको जो है फ्री में जो है घर में ग्रीन कारपेट ग्रास जिसको जो बोलते हैं लाइफ, वो किस तरीके से बना सकते हैं। सिर्फ यही मेरा मकसद है, इस तरीके से मैंने आपको फास्ट लगा करके दिखाता हूँ। और ये देखिए इस तरीके से लगा देना है, जैसे कि खेत में धान की चौहड़ लगती है उस तरीके से भी लगा सकते हैं आप इसको, 1 बाय 1 पीस भी कर सकते हैं, पर मेरे पास ये थोड़ी सी ज़्यादा क्वान्टिटी में है, तो मैं इसको इसी तरीके से तीनों में लगा दूँगा। ये मेरा जो है एक तो कम्प्लीट हो गया है, और बाकी मैं उन तीनों में भी दोनों जो मेरे गमले हैं उनके अंदर लगा दूंगा। और ये इस तरीके से जो है आप बिल्कुल बिल्कुल ही फ्री में जो है कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको। देखें ये मेरी एक तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने इसी तरीके से फास्ट फास्ट आपको दिखा रहा हूँ, और ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो, ज़्यादा बर्बाद ना हो। चलिए अब मिलते हैं पानी डालने के बाद कुछ दिनों के बाद। तो अब ये दिन हुए हैं हमारे 8 दिन के बाद का रिज़ल्ट कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 26 अगस्त 2022 का वीडियो है जो कि मैंने बनाया था, और इसकी नई शूट शुरू हुई थी, तो मैंने इसको बनाया 8 दिन के बाद। 8 दिन के बाद ही इसको मैंने छायादार जगह पर रख दिया था, हालांकि आप सनलाइट में भी डायरेक्ट रख सकते हैं तब भी हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, 13 दिन के बाद का रिज़ल्ट दिखाता हूँ मैं आपको। ये 31 अगस्त को मैंने इसका वीडियो बनाया था, ये मैंने धूप में रख दिया था, मैंने नहीं, पिताजी ने हमारे और माता श्री ने रख दिया था यहाँ पर, तो जिस वजह से जो है ये अच्छी कंडीशन पे आ चुका है। और 20 दिन के बाद का रिज़ल्ट देखिए आप, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ हुई है। और इस तरीके से आप फ्री में बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लॉन को बना सकते हैं, हरा भरा और काफ़ी अच्छी और सुंदर लगती है। 28 दिन के बाद का रिज़ल्ट ये 15 सितंबर का है, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है इसका, एकदम ग्रीन हो रही है। इस तरीके से आप फ्री में बना सकते हैं। अगर आप ऐसे ही वीडियो इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो के हम आपको कुछ बताएं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़।